कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को पांचवी बार संबोधित किया। रात 8 बजे अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पुराने पैकेज मिलाकर ये कुल 20 लाख करोड़ का पैकेज है। वहीं आज यानी 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी कि ये आर्थिक पैकेज कहां और कैसे खर्च होगा। हालांकि इस पैकेज में पहले से चल रहे योजनाओं को भी शामिल किया गया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। सबसे अहम ये है कि ये आर्थिक पैकेज उन लोगों के लिए है जो कोरोना के चक्र में बुरी तरह फंस गए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक पैकेज का लाभ मिलेगा। खास बातचीत में संजीव ने कहा, ये छोटा पैकेज नहीं है, 20 लाख करोड़ रुपए है। उद्योग सेक्टर की जो मांग थी ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारी कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, हर स्तर के लिए कुछ न कुछ होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।